मुर्तजा, आप जहां जेब ने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया है, आप उनको एक मेरा मैसेज दे सकते हैं प्लीज? टेल हिम कि मैंने डिवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं किया और यहां के कानून के मुताबिक आई एम स्टिल हिज वाइफ। उसे ये भी कहना कि मैं खुद पाकिस्तान आ रही हूं। आई डील विद दिस मैटर माई सेल्फ। किसी बात से परेशान है आप? तुम्हें किसने कह दिया ये? आपके चेहरे ने। बस यही सोच रहा था कि जॉब मिली नहीं और शादी कर ली। एक बात कहूं, आप माइंड तो नहीं करेंगे? आप बिला वजह यहाँ वहां नौकरी तलाश कर रहे हैं, आपको तो फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए। मैं नूर अम्मी पर मजीद बोझ नहीं बनना चाहता। आप जैसा काबिल और सिंसेयर आदमी तो जिस भी कंपनी को ज्वाइन करेगा ये उसकी खुशकिस्मती है, और मुझे तो लगता है कि इन सलाहियत की सबसे बड़ी हकदार नूर अम्मी खुद है। आफ्टर ऑल उन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया। नूर अम्मी के बिजनेस को मैंने कभी इस एंगल से देखा ही नहीं। आपकी जिंदगी में इसीलिए तो शामिल हुई कि आपके हर प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ सको। क्या बदतमीजी है ये? तुम्हें किसी ने तमीज नहीं सिखाई कि लॉक करके अंदर आते हैं? I'm sorry. वो नूर अम्मी कह रही थी कि जो भी कह रही थी, लेकिन अब मुर्तजा इस कमरे में अकेला नहीं रहता, मैं भी साथ रहती हूँ। दोबारा कमरे में लॉक करके आना आफरीन। क्या कह रही थी नूर अम्मी? वो नूर अम्मी कह रही थी कि तुम नीचे आ जाओ, तुम्हारे घर वाले पहुंचने वाले होंगे। वो लोग ऊपर आ जाएंगे, मैं नीचे नहीं आ रही। तुम जल्दी से जाके हमारा नाश्ता लगवाओ। जी, मैंने कहा नाश्ता लगवाओ। तुम चाहे इस घर की बहू हो, लेकिन मेरे लिए तुम आज भी एक नौकर की बेटी हो। चलो जाओ, जाके नाश्ता लगवाओ।